हेलो दोस्तों, हर बच्चे को ये रहता है कि मैं अपने जो पास्ट एग्जाम्स हैं उनमें अगर अपीयर हुआ हूं तो मैं क्यों नहीं पास हो पाया, मुझे ये रीजन नहीं पता चला। या फिर अगर आपने पास्ट में एग्जाम नहीं दिए हैं, मतलब अभी आप फर्स्ट टाइम अपीयर होने जा रहे हो, तो भी माइंड में ये रहता है कि क्या मैं उस लेवल तक पहुंच चुका हूं कि मेरी एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंगली प्रेपरेशन हो चुकी है। तो क्या ये कैसे सिर्फ टेस्ट सीरीज के साथ ही चेक किया जा सकता है, जब घर पे बैठ के भी मैं चेक कर सकता हूं? तो मैं आज आपको वो चीज घर पे बैठ के आप कैसे कर सकते हो, परफॉर्मेंस डिटेक्टर टूल। देखिए फॉर ऑल सीए स्टूडेंट्स, जैसे आप स्क्रीन पर भी देख रहे हो कि हार्डवर्क विद टेक्निक, आपको ये यूज जरूर करना चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको कैसे यूज करो अपनी परफॉर्मेंस। आपको ये भी रीजन पता चल जाएंगे 100% कि आप पास्ट में क्या गलतियां करते रहे हो अगर आप क्लियर नहीं हो पा रहे हो। तो या जैसे मैंने आपको पहले बताया, फर्स्ट टाइम देने हैं तो भी ये चीज आपके काम आएगी। अब दूसरा बात जो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, फिर मैं आपको वो शीट पर लेके जाता हूं आपने क्या करना है। अच्छा, कुछ बच्चों को ये लगेगा कि शायद ये तो वही बच्चा यूज कर सकता है जिसका सिलेबस एक बार हो चुका है। ऐसा कुछ नहीं है, जो बच्चा भी सिलेबस को चाहे वो फर्स्ट टाइम नहीं खत्म कर पाया है, वो भी चैप्टर के साथ साथ इस चीज को परफेक्टली यूज कर सकता है। वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर ही बता दूंगा कि आपने कैसे यूज करना है। तो वीडियो को शॉर्ट ही रखूंगा वैसे तो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना, समझ लेना, आपको आपके सारे पॉइंट्स के आंसर अंदर ही मिल जाएंगे। तो चलिए फटाफट चलते हैं हमारी वो कैलकुलेशन की तरफ। ये बता दूं कि ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि देखिए इंसान कोई कंप्यूटर नहीं है, उसके अंदर मैं एंटीवायरस डाल दूं तो सारे वायरस निकाल देगा। इंसान को अपनी गलतियां खुद ही निकालनी पड़ती हैं। तो जस्ट ये टूल आपकी आप ही बनाओगे और आपकी गलतियां ये सारी निकाल के आपके सामने रख देगा कि ले बेटा ये तेरी गलतियां हैं, ये तूने पास्ट में की हैं या आने वाले टाइम में शायद करने वाला था, तो अब तू बच जाएगा। तो चलिए फटाफट चलते हैं उस टूल की क्या सीन रहेगा, क्या कैलकुलेशन रहेगी। देखिए इंटर फाइनल, उसके अलावा फाउंडेशन, ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस कोई मैटर नहीं करता, सारे बच्चों के लिए ये चीज एप्लीकेबल है। जस्ट आपको करना क्या है, सबसे पहले आपने जो हमारे पास्ट जो लेटेस्ट प्रीवियस एग्जाम जो हमारा हुआ था, जैसे नवंबर 19 का अभी लास्ट जो हमारे एग्जाम हुए थे, हमने नवंबर 19 का आईसीए की साइट से जाकर आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन पेपर के साथ आपने आंसर भी देखने हैं तो सजेस्टेड आंसर सबको पता है कि अवेलेबल रहते हैं। तो आप चाहे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लो, चाहे सजेस्टेड आंसर डाउनलोड कर लो। अब आपने सबसे पहले लेटेस्ट पेपर उठाया, बार बार बोल रहा हूं लेटेस्ट पेपर से शुरुआत करनी है। मैंने सबसे पहले पेपर नवंबर 19 का उठा लिया है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं सी इंटर वाले बच्चे की, आप बाद में फाइनल वाले बच्चे, चीज सेम करनी है। मैंने ये पेपर उठाया एडवांस्ड अकाउंटिंग का, कि हमने एडवांस्ड अकाउंटिंग का पेपर उठा लिया, ठीक है। अब आप ये नोट कर लेना कि हमने करना क्या है। ये मेरे पास, इधर मेरे पास सजेस्टेड आंसर खुला हुआ है, मान लो इधर मैंने अपने पास अपना रजिस्टर रख लिया पूरा, उसके ऊपर मैंने चार कॉलम लगा लिए, कॉलम आपको नजर आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर, चैप्टर के साथ टॉपिक, रिमार्क्स एंड मार्क्स। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने उस क्वेश्चन पेपर में सीरियल ऑर्डर में पहला क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 1A। अब आप देख रहे हो कि वो क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है, कहां से आया हुआ है। अब आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1A, आपको क्वेश्चन से पता चला गया कि यह क्वेश्चन AS 29 में से पूछा गया है। तो आपने लिख लिया क्वेश्चन नंबर 1A क्वेश्चन के कॉलम में और चैप्टर टॉपिक के कॉलम में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 29 में से है। आपको स्टैंडर्ड का नाम पता है तो साथ में उसका नेम भी लिख लो कि अच्छा हां ये स्टैंडर्ड था। अब आपने रिमार्क्स वाले कॉलम में क्या करना है, सबसे पहले आपने उस क्वेश्चन को रीड करना है। जब आप क्वेश्चन रीड करोगे तो आपके माइंड पे कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए टाइम का कि मैं 10 मिनट से क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं मुझे समझ नहीं आ रहा। बस आपने ये देखना कि आपको समझ आ रहा है या नहीं, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका AS 29 पर कितनी ग्रिप है। अगर आपको लग रहा है कि अभी वो क्वेश्चन मेरे माइंड में नहीं आ रहा, लेकिन जब भी आपने AS 29 को रिवाइज करके छोड़ा था तो ऐसे क्वेश्चन आपके टिप्स पर थे, तो चलो अभी रिवीजन थोड़ी सी पुरानी होगी, भूल गया है, लेकिन मैं जैसे ही रिवाइज करूंगा मुझे ये याद आ जाएगा। आप उसमें अपने आप को रिमार्क्स दे लो कि परफेक्टली कवर्ड या कुछ भी अपने हिसाब से, और मार्क्स दे लेना 4 में से 5 या 5 में से 5। देखो मैं अगर बोलूं, मैंने जस्ट वैसे लिख लिया है कि मैं इसमें ज्यादा क्लियर नहीं हूं, नॉट वेरी मच क्लियर, तो यहां पर मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है, नीड्स प्रैक्टिस, तो मैंने अपने आपको 0 दे ली है। उसके बाद मैं आया क्वेश्चन नंबर 1B की तरफ, वो मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मैंने देखा अच्छा ये AS 26 में से आया हुआ है, तो मैंने साथ में नाम लिख लिया अगर मुझे पता कि इंटेंजिबल वाले में से पूछा गया है। अब मैंने देखा कि मैंने तो उसकी सिर्फ थ्योरी पढ़ी थी। देखो ये काम, ये टूल एनालिसिस टूल है जो नॉर्मली बच्चा, देखो मैं आपको सच बता रहा हूं कि ऐसी चीजें बच्चों को नॉर्मली पसंद नहीं आती,
उनको लगता है कि कोई ऐसी बनी बनाई चीज आए और वो बनी बनाई चीज मेरे माइंड में, जैसे कहते ना स्पून फीडिंग। देखो यार, ये हमारा जो कोर्स है इसमें सिर्फ हार्डवर्क के साथ साथ बहुत दिमाग लगाना पड़ता है आपको, बहुत सारी चीजों का टेस्ट है आपका। ये सिर्फ ये टेस्ट नहीं है कि आप कितना चीजों को याद कर रहे हो, पता नहीं कौन कौन सी चीजें आपकी टेस्ट हो रही है, आपका पेशेंस टेस्ट हो रहा है। तो देखो आप क्या कर रहे हो, देखो मैंने पढ़ा वो, मैंने देखा, मैंने उसके सिर्फ कंसेप्ट किए थे तो मैंने नोट कर लिया कि प्रैक्टिकल्स मैंने अच्छे से कवर नहीं किए, तो मैं यहां पर कंसेप्ट के ऊपर बस दो नंबर का उसमें ट्राई मार सकता हूं, चलो वो मैंने अपने आपको दो नंबर दे लिए। तो ऐसे मैंने आगे देखा ये नाइन में से आया हुआ है, वो मुझे परफेक्टली क्वेश्चन आता था, मैंने पांच में से पांच दे लिए। तो ऐसे एक एक करते मैं सीरियल ऑर्डर में क्वेश्चन नंबर की तरफ आगे बढ़ता गया। जब मुझे, मैंने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल बायबैक का क्वेश्चन देखा मैंने, अब मैंने देखा कि उसमें मैंने, मैं तो इस चैप्टर में अपने आप को फुल एक्सपर्ट समझ रहा था, लेकिन वो दो पॉइंट ऐसे क्वेश्चन में मिले जो मुझे तो कहीं पर वो नजर ही नहीं आए जब मैंने चैप्टर किया। मैंने दो वो पॉइंट नोट कर लिए कि आज ही देखता हूं कि वो कौन से दो पॉइंट है, मैं तो चैप्टर को फुल रेडी करके बैठा था, इसलिए मैंने अपने आपको 10 में से 15 में से 10 नंबर दे लिए। तो देखो ये एनालिसिस एक दिल से करने वाला काम है, इसमें ये नहीं हो सकता कि आप बैठो अच्छा यार ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है मैं आज ही सारे के सारे बनाता हूं। एक दिन में एक दो आप पेपर के बना लो, एक दो के बना लो। आपने इनको रिवर्स, मतलब नवंबर 19 का, उसके पीछे आए मई 19 का, फिर उसके बाद मैं बोलूं नवंबर 18 और मई 18, चार पेपर तक जाओ, उससे ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। चार पेपर का हर सब्जेक्ट का जैसे जैसे आप बनाते जाओगे, देखो आपके पास आपका अपना डाटा, अगर आपने पास्ट में पेपर दिए हैं या अगर आप देने वाले हो तो फ्यूचर में शायद आप क्या गलतियां कर सकते हो। जो पास्ट में, ये नहीं होता कि जो पास्ट में आया बोलोगे वो सेम थोड़ी आ जाना है, लेकिन जो बीत चुका है वहां देखो गुडविल कैसे निकालते हैं, बोलते हैं पास्ट 3 ईयर का डाटा ले लो, लेते हैं ना पास्ट का डाटा। तो यहां पर भी हमने चार एग्जाम का डाटा उठाया, मैंने ये चार शीट बना ली अपनी। मैं अभी ये भी बताने लगा हूं कि जिनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ वो कैसे करें, वेट करो 1 मिनट। तो अभी यहां पर मैंने ये चार शीट बना ली, अब चार शीट पर मेरे पास पूरा एनालिसिस आ गया। अच्छा, चारों शीट में देख रहा हूं कि बायबैक में मीटिंग में भी क्वेश्चन आया है, उसके बाद ये मई 19 में भी आया, नवंबर 18 में नहीं आया, नवंबर 19 में आया। तो मैंने देखा यार इसमें से मतलब हर क्वेश्चन में मुझे कहीं ना कहीं उलझन आई है, तो मैं अपने आप को 15 में से कभी 8 दे रहा हूं, कभी 7 दे रहा हूं, कभी 10 दे रहा हूं, लेकिन मैं तो ये सोचता था कि मुझे ये चैप्टर पूरा आता है, मैं तो पेपर में अपने आपको 15 में से 15 लेकर आऊंगा। तो आपकी ऐसी ऐसी चीजें आपके सामने आ जाएंगी, एक कंक्लूजन बार आ जाएगा, तो आपको सेम डे आपके ऊपर प्रेशर आएगा, टेंशन बढ़ेगी कि यार इन टॉपिक्स को आज ही खोल के देखा जाए और आज ही समझा जाए, ताकि जिन चैप्टर्स में मैं एक्सपर्ट पूरा अपने आप को समझता हूं, मैं फुल एक्सपर्ट वाकई में बन जाऊं। और ऐसी चीजें भी सामने आ जाएंगी जो शायद आप सोचते हो यार ये तो मैं हमेशा छोड़ के जाता हूं, और अब आपने देखा यार हर बार 5-6 नंबर का हर बार आया हुआ है, तो मैं क्यों छोड़ के जा रहा हूं। तो मैं ऐसे मतलब हर एक रीजन, जितना आप दिल से बनाओगे, जितना आप डीपली एनालिसिस करोगे, उतना ही आपको रिजल्ट देगा। अब बात रही उन बच्चों की जिनको लगता है कि हमारा तो सिलेबस नहीं पूरा, देखिए ऐसे केस में मैं आपको बताता हूं कि नॉर्मली मुझे पता है कि सभी बच्चों ने इतना तो पता ही होता है कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से आया हुआ है। अगर इतना भी नहीं पता तो इसके लिए आप जो एनालाइजर की ऑप्शन है, जैसे आई बटन में मैंने ऑप्शन लगा दी, आपको पता चल जाएगा एनालाइजर किस काम आते हैं, तो एनालाइजर आपकी थोड़ी सी हेल्प कर सकता है। बाकी अगर आपने नहीं भी यूज करना है वो आपकी ऑप्शन है। एनालाइजर क्या है देखो मैंने आपको दिखा देता हूं, एडवांस्ड अकाउंटिंग का ही एनालाइजर दिखा रहा हूं, ये मेटिंग का पेपर है, चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन सॉर्ट किए हुए हैं कि अच्छा इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन नंबर है, इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन है। तो आप जो भी चैप्टर, मान लो मैंने अभी चैप्टर नंबर 3 किया है, तो मैं देखना चाहता हूं चैप्टर नंबर 3 में पास्ट 4 पेपर में कौन कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्योंकि मैं क्वेश्चन पेपर में से ढूंढ नहीं सकता, वैसे ऐसे पॉसिबल नहीं होता, आप खुद ढूंढ सकते हो, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं नहीं ढूंढ सकता हूं, देखो मैंने ये देखा, मान लो सपोज कर लो चैप्टर नंबर 5 है एमलगमेशन, तो मैंने देखा अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एमलगमेशन आया हुआ है, कौन सा पेपर है, मीट इनका। फिर मैं आगे बढ़ा, फिर मैंने देखा कि उसके बाद अच्छा आपको ये चीजें भी पता लग जाती हैं एनालाइजर से, या जो चीज बनाना है को बोल रहा था मैं। देखो फिर से दोबारा क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट आए हुए हैं नवंबर 18 के पेपर में, ये मुझे मिल रहे हैं रिकंस्ट्रक्शन में से या लिक्विडेशन में से। फिर आगे बढ़े हम, तो ऐसे ये चीजें मुझे धीरे धीरे करके कह लो सारी क्लैरिटी हो जाती है कि कहां कहां से क्या क्या नॉर्मली चल रहा है, नॉर्मली कौन सा क्वेश्चन नंबर जो है वो नॉर्मली वो क्वेश्चन नंबर जो है
उसमें कौन कौन से चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे, तो मेंटली थोड़ा सा हम प्रिपेयर रहते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर थ्री में मुझे ये चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा, मिलेगा जरूर। तो एंड वाली शीट में एनालाइजर पर क्या होता है, आपके चारों पेपर का कंक्लूजन होता है कि कौन से चैप्टर में से टोटल कितना पेपर आ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेलगमेशन की बात करूं तो मे 18 में 20 नंबर का आया है, उसके बाद मे 19 में 15 नंबर का आया है, क्योंकि बीच बीच में रिकंस्ट्रक्शन लिक्विडेशन का भी आता रहता है। तो ये चीज है बेसिकली एनालाइजर में। लेकिन ये जो टूल मैंने आपको बताया है, या मैं ये बोलूं एनालाइजर प्लस ये टूल मिलकर आपके लिए आपके हर प्रॉब्लम को आपके सामने ला के रख देंगे जो शायद आप अभी आने वाले एग्जाम में फेस करने वाले हो। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज पूरी क्लियर है, और ज्यादा डिटेल्ड में मैं और नहीं जाता। मेरे ख्याल से आप अपने दिमाग लगाकर अभी इस चीज को कर पाओगे। हाँ, इसका जो फॉर्मेट है वो हमारा टेलीग्राम चैनल राइप क्लासेस के नाम से आप सर्च कर लेना, राइप क्लासेस के नाम से। मैं इसका एक बार वहां पर फॉर्मेट भी आज रात को डाल दूंगा ताकि आपको भूल ना जाए। चार पेपर के लिए ये डाटा बनाना, जरूर बनाना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। एक सब्जेक्ट का बना लोगे तो खुद ब खुद आपका दिल करेगा कि बाकियों का भी बनाए। तो बस एक चीज और बोलता हूं कि ऐसी चीजें ना ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर कर दिया करो, क्योंकि जो चीजें आप खुद कर सकते हो उसका कोई मुकाबला नहीं है। कोई बंदा आपको आकर चीजें सिखा नहीं सकता, जो चीजें आप खुद कर सकते हो और खुद जो अपनी गलतियां निकाल सकते हो, कोई नहीं आपके अंदर वो गलतियां निकाल सकता। तो चलिए बस इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर करना, चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि ऐसा ऐसा न्यू कंटेंट ढूंढ कर लाता हूं आपके लिए जो शायद आपको कभी भी कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आप कहीं पर भी सर्च कर लो, आपको ये चीजें नॉर्मली देखने को नहीं मिलेंगी। तो याद से चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, बाकी टेलीग्राम चैनल राइप क्लासेस के नाम से है, वो भी जरूर ज्वाइन कर लेना। अब मिलते हैं कल नेक्स्ट न्यू टॉपिक न्यू कंसेप्ट के साथ। ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए, अच्छे से डट कर पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच।